हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेसन हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टाइम हम कहाँ पर थे। लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम उसमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उन इन टेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? तो देखिए, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है विच इज़ फाउंड इन क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम्स में पाया जाता है और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे, उसमें पाया जाएगा डीएनए। द डीएनए इज़ द इंफॉर्मेशन साइट ऑफ मेकिंग प्रोटीन। डीएनए इंफॉर्मेशन साइट होता है जो कि प्रोटीन्स बनाता है, और यही प्रोटीन्स जो होते हैं बॉडी को डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह से हम लुक लाइक होंगे। तो ये डिज़ाइन करेगा प्रोटीन और प्रोटीन को बनाएंगे डीएनए। ठीक है जी। दस इट इज़ द डीएनए मॉलिक्यूल दैट डिटरमाइन द बॉडी डिज़ाइन। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है जो बॉडी डिज़ाइन को डिटरमाइन करता है। इसलिए क्या होता है कि डीएनए की कॉपिंग होना बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में डीएनए आता है कॉपिंग हो गए तभी हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। लुक लाइक लुक सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। उसके पीछे का रीज़न है डीएनए कॉपिंग। डीएनए की कॉपिंग होती है, कॉपिंग होने के बाद में जो सेल का डिवीज़न होगा एक हमारे अंदर आ जाती है और हमारे पेरेंट्स से वही करेक्टर्स हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लुक सिमिलर लाइक आवर पेरेंट्स दिखाई देते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। इसको नोट कर लीजिए आप जी। हम अब क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। देखिए क्या होता है कि वेरिएशन आर बेनिफिशियल टू स्पीसीज देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से ज़्यादा ये स्पीसीज के लिए वेरिएशन जो होता है वो बेनिफिशियल होता है। रीज़न क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तो जिसमें स्पीसीज़ का सर्वाइवल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर। देखिए, वाटर का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी पॉन्ड में या सी में, तो क्या होगा, वहाँ जो रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया क्या होंगे, धीरे धीरे मरने लगते हैं। लेकिन उनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हीट के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो वो जो हीट के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं वही वेरिएंट जो होता है वो उन बैक्टीरिया को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुँचाता है। अगर वो वेरिएंट नहीं होते तो सारे की सारी जो स्पीसीज थी एंटायर स्पीसीज बैक्टीरिया की वो सारी ख़त्म हो जाती। इसलिए बेनिफिशियल होता है, वेरिएशन बेनिफिशियल होता है स्पीसीज के लिए रेदर देन इंडिविजुअल। अगर स्पीसीज में वेरिएशन नहीं हुआ होता तो वो सारी की सारी बैक्टीरिया की स्पीसीज ख़त्म हो जाती, उनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता। ठीक है जी, इसे नोट कर लीजिए हम। देखिए अब इंटरेस्ट क्वेश्चन देते हैं जो पेज नंबर 33 पर है। मेरी बुक में पेज नंबर 33 पर है, आपके में हो सकता है किसी और पर हो। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन से बाइनरी फिशन क्यों अलग होता है? तो ये सिंपल सी बात है, मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बाइनरी फिशन के अंदर क्या होगा, एक सिंगल सेल जो होगी वो टू इक्वल हाफ में टूट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था अमीबा का, आपको याद आ रहा हो, अमीबा इस तरीके से न्यूक्लियस पहले अलग होंगे, अलग होने के बाद में क्या होगा, ये दोनों के दोनों अलग अलग सेल्स में टूट जाएंगे, टू इक्वल हाफ में टूट जाएंगे, बाइनरी फिशन। फिर हमने बताया मल्टीपल फिशन बताया था आपको। मल्टीपल फिशन में मैंने एग्जांपल दिया था प्लाज्मोडियम का। इसमें क्या होता है कि ये जो प्लाज्मोडियम में एक सिंगल सेल जो होती है वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो जैसे मैं बताया था मैंने वहाँ पर इस तरीके से कि मल्टीपल फिशन में क्या कंडीशन होगी कि एक सिंगल सेल होगी, इस तरीके से एक सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल जो होगी इसके अंदर बहुत न्यूक्लियस होंगे वो रैंडमली डिवाइड होने लगेंगे, रैंडमली डिवाइड होने लगेंगे, और रैंडमली डिवाइड होने पर जब ये ब्रस्ट होगी इसकी सिस्ट ब्रस्ट होने के बाद क्या होगा कि ये सारे के सारे जो होंगे बाहर आ जाएंगे प्लाज्मोडियम की सेल। इस तरीके से एक सिंगल सेल जो होगी वो बहुत सारे मैनी सेल्स में मैनी ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं हम मल्टीपल फिशन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ़ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर।
किस तरीके से ऑर्गेनाइज बेनिफिट होता है यदि वो स्पोर्ट्स के द्वारा रिप्रोड्यूस हो। तो देखिए यहाँ पे आपको एडवांटेज देखने के लिए मिलेंगे स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म के। देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि एक ही स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स पाए बनते हैं, ठीक है, एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर बनते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इजीली स्पोरेंजियम जब ब्रस्ट होती है तो स्पोर्स जो होते हैं बहुत दूर दूर तक एयर के माध्यम से बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो उनमें जो कंपटीशन है वो कंपटीशन भी नहीं होता कि सभी एक जगह फैल जाएंगे तो सब में सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन होगा, तो वो कंपटीशन भी नहीं रहता है। तो इस तरह से भी ये बेनिफिट है। तीसरी बात ये आती है कि ये जो स्पोर्ट्स के ऊपर एक थिक वॉल होती है, ये थिक वॉल क्या काम करती है, ये प्रोटेक्ट करती है स्पोर्ट्स को अनफेवरेबल कंडीशन में डिहाइड्रेट होने से, ठीक है। इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बेनिफिटेड हैं। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लीजिए। कैन यू थिंक ए रीज़न व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कांट गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन? रीजनरेशन के थ्रू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल को वर्थ नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो उसके पीछे रीज़न हम जानने के लिए सबसे पहले हमें बात कर रहे थे रीजनरेशन। तो रीजनरेशन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना रीजनरेशन कहलाया जाता है। अ सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस थ्रू रीजनरेशन बिकॉज दे हैव वन टाइप, यानी कि उनके अंदर जो उनका जो बॉडी कंपोजिशन होता है वो एक तरह की सेल से बना हुआ होता है, इसलिए हाइड्रा प्लेनेरिया सिंपली अगर टूट भी जाते हैं तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देते हैं। लेकिन अगर हम मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके अंदर पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पे तरह तरह की सेल से मिलके बॉडी डिज़ाइन होती है। तो और ये जो सभी ऑर्गन सिस्टम है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि किसी एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है। तो इसलिए मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। सिंपल ऑर्गेनिज्म वन सेल के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है, क्योंकि उनकी जो एक शेल होती है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है कि रिप्रोड्यूस कर सके न्यू ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। यही रीजन होता है रीजनरेशन जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन प्लांट हार्मोन है? तो देखिए इनमें से साइटोकाइनिन जो होता है ये प्लांट हार्मोन होता है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एज असेंशियल पार्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? देखिए डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज असेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज इट पासिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इट डिटरमाइन बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन को डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल के। द रिप्रोड्यूसिंग यूनिट प्रोड्यूस कॉपी ऑफ देयर डीएनए थ्रू सम केमिकल रिएक्शन एंड रिजल्ट टू कॉपीज ऑफ डीएनए। द डीएनए कॉपिंग ऑलवेज अकम्पलिश्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ अदर सेलुलर स्ट्रक्चर। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ये सारा का सारा प्रोसेस एट लास्ट सेल डिवीजन फॉलोड करता है, यानी कि सेल डिवीजन होने पर जो एक सेल होगी वो दो पार्ट में टूट जाती है। इसलिए क्या होता है कि डीएनए कॉपिंग होना जरूरी होता है। डीएनए कॉपिंग से ही जो पेरेंट्स से इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो ऑफस्प्रिंग में आएंगी और वही हमारे बॉडी को डिज़ाइन करेंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।